हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड ई एफ पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लाभ नियोजन लागत लाभ मात्रा समविच्छेद विश्लेषण सब पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट समविच्छेद बिंदु ब्रेक इवन एनालिसिस समिच्छित बिंदु क्या होता है जिसका हमें अध्ययन करना है समुचित बिंदु का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एस उत्पादन प्रक्रिया और विक्रय दोनों के मध्य का एक ऐसा संबंध जिसमें विक्रय की लागत और विक्रय की आगम दोनों बराबर हो जाते हैं अर्थात तो वह बिंदु जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है सिर्फ उसमें केवल शून्य लाभ और शून्य हानि होती है या यूँ कहा जाए कि ऐसी स्थिति जहाँ पर लागत और आगम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दोनों में कोई अंतर नहीं होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं उसे समविच्छेद बिंदु कहते हैं ये एक ऐसा बिंदु होता है यदि इस बिंदु से ज़रा सा भी विक्रय मूल्य ऊपर हो जाए तो अब नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है लेकिन यदि सा भी सेलिंग प्राइस में कमी हो जाए तो अब नॉर्मल लॉस प्राप्त हो जाता है तो ये बहुत ही एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट माना जाता है और सामान्य लाभ का एक ऑप्टिमम लेवल माना जाता है जिसे समविच्छेद बिंदु कहते हैं समविच्छेद बिंदु के तात्पर्य ये होता है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर उत्पादनकर्ता को हानि होती है और न लाभ होता है यह उत्पादन के पूर्णतया क्र विक्रय और उसकी लागत को बराबर करके और दिखाता है समीक्षित को वह न्यूनतम मात्रा जिस पर उत्पादन लाभदायक हो सके का निर्धारण करने हेतु तो विक्रय आगम स्थायी लागतों तथा तो परिवर्तनशील व्ययों के बीच संबंधों का अध्ययन करने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है यह बिक्री की उस मात्रा का निर्धारण करने में सहायक होता है जिस पर लागतें एवं आगम साम्य अवस्था में होते हैं इस साम्य विच्छेद बिंदु को क्रियाशीलता की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर कुल विक्रय आगम उत्पादित या बेचे गए माल की कुल लागत के ठीक बराबर होती है क्योंकि परिचालन के इस स्तर पर विक्रय आगम बिना किसी लाभ के उत्पादन की बिक्री अथवा निर्माण करने की समस्त लागतों को वसूल करने के लिए बिक्री पर्याप्त तो होता है इसलिए यह स्तर लाभ हाल नो लॉस नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु कहलाता है इस बिंदु से कम उत्पादन करने पर व्यवसाय में हानि होने लगती है और अधिक उत्पादन करने पर व्यवसाय में असामान्य लाभ प्राप्त होने लगता है इसलिए यह व्यवसाय का एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन लेवल ऑप्टिमम सेल्स लेवल और संुचित सम, बिंदु कहलाता है सम्मिश्रित बिंदु की गणना करने के लिए प्रायः दो प्रकार के आधार माने जाते हैं एक कुल विक्रय की मात्रा और एक इकाइयों में विक्रय की मात्रा तो कुल विक्रय की मात्रा में यदि सम्मिश्रित बिंदु की गणना करनी हो तो इसके अंदर हमारे पास में एक फिक्स कोष्ट दी हुई होती है उस फिक्स कोष्ट में पीवी वी रेशो का भाग दिया जाएगा तो कुल समुचित बिंदु की राशि प्राप्त हो जाएगी अर्थात यदि हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट काउंट करना हो तो फिक्स कोस्ट में पी वी रेशियो से डिवाइड करना होता है तो हमारे पास में बी ई पी इन अमाउंट प्राप्त हो जाती है लेकिन यदि क्वेश्चन में या प्रश्न में पहले से ही इकाइयों में डाटा दिया हुआ होता है तो इसमें अलग से कुल विक्रय की राशि तथा कुल समविच्छेद बिंदु की राशि और कुल समविच्छेद बिंदु की राशि के साथ साथ समविच्छेद बिंदु इकाइयों में भी ज्ञात किया जाता है तो यदि समविच्छेद बिंदु इकाइयों में ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमें फिक्स कोष्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देकर समिच्छेद बिंदु इन यूनिट काउंट किया जा सकता है या कर लेते हैं अर्थात इसे काउंट करने के लिए बी ई पी इन यूनिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू बी ई पी इन यूनिट तो हमें हमारे पास में काउंट हो जाता है तो ये हमारे पास बी ई पी काउंट करने का एक फार्मूला था उसके बाद अब हमारे पास आता है सुरक्षा सीमा सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुल विक्रय और सम्मिश्रित बिंदु पर विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा कहलाता है अर्थात टोटल सेल्स में से फिक्स टोटल सेल्स में से ओनली ब्रेक इवन सेल्स घटा देंगे तो हमारे पास में जो राशि बचेगी वो सुरक्षा सीमा कहलाएगी सुरक्षा सीमा के अंदर केवल वेरिएबल कोस्ट और प्रॉफिट ही निहित होता है जिसमें प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट के अतिरिक्त फिक्स कोस्ट का कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि फिक्स कोस्ट की काउंटिंग पहले ब्रेक इवन पॉइंट तक सीमित हो जाती है उसके बाद में फिक्स कोस्ट इसमें शामिल नहीं होती है अर्थात सेल्स में से टोटल सेल्स में से टोटल बीईपी सेल्स को लेस कर दिया जाएगा तो हमारे पास में जो राशि बचेगी उसके सुरक्षा उस सीमा कहते हैं उस सुरक्षा सीमा को यदि पीवी वी से मल्टीप्लाई किया जाए पीवी वी से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी वो हमारे पास में नेट प्रॉफिट ही प्राप्त होगी ओके okay. कुल विक्रय और समुचित बिंदु पर विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा कहलाता है चालर्स टी हॉर्नग्रेन के शब्दों में ये बताया जाता है कि बजटीय या वास्तविक विक्रय का लाभ विक्रय का समुचित विक्रय मात्रा पर अधिक की सुरक्षा सीमा कहलाता है अतः कुल विक्रय समिचित बिंदु से जितना अधिक होगा सुरक्षा सीमा उतना ही अधिक और अंतर कम होने पर सुरक्षा सीमा उतना ही कम होगा कारण सम्मित बिंदु तक स्थायी का अवशोषण हो चुका होता है इसके पश्चात आगे जो भी विक्रय होगा उसमें सिर्फ मार्जिनल कोस्ट हो को घटा दिया जाता है और बाकी जो बचेगा उसे हम केवल लाभ कहते हैं अर्थात टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट मल्टीप्लाई पीवी रेशियो तो जो हमारे पास आएगा उसे हम कहते हैं प्रॉफिट तो यहाँ पर सुरक्षा सीमा का एक छोटा सा महत्व भी है कि सुरक्षा सीमा हम काउंट करते हैं तो हमारे लिए किस प्रकार से इसका महत्व होता है का अध्ययन करते हैं जैसे सुरक्षा सीमा की शक्ति का माफ़ करने की सूचक है यह है जितनी अधिक होगी व्यवसाय उतना ही अधिक सुदृढ़ होता है व्यवसाय में लाभार्जन के अनुसार उतने ही अधिक होंगे सुरक्षा सीमा का बिक्री से प्रतिशत व्यवसायी को इस बात का भी जानकारी देता है कि वह प्रति प्रतिस्पर्धा के प्रतिस्पर्धा में अधिक से अधिक कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य घटा सकता है इस प्रतिशत से अधिक मूल्य कम करने पर उसे हानि उठानी पड़ेगी सुरक्षा सीमा कम होने पर यह चिंता का विषय बन जाता है ऐसी स्थिति में कुछ उपाय और दिए जाते हैं जैसे यदि सुरक्षा सीमा कम होती जा रही है और हमें लॉस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो ऐसे में स्थिर लागतों में कमी की जा सकती है परिवर्तनशील लागतों में भी कमी की जा सकती है उत्पादन में वृद्धि कर यदि अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता हो तो उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है विक्रय मूल्य में वृद्धि करना लाभ लाभकारी उत्पादों को त्याग करके अलाभकारी उत्पादों को त्याग करके लाभकारी उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन करके अंश में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे हमें सुरक्षा सीमा में वृद्धि हो जाए और हमारे प्रॉफिट में भी वृद्धि हो जाए तो इस प्रकार से हम इसमें काउंटिंग करते हैं और सुरक्षा सीमा में काउंटिंग करने के लिए कुछ हमारे पास में जैसे सुरक्षा सीमा कैसे काउंट की जाती है तो सेल्स में से यदि ब्रेक यून सेल्स घटा देंगे तो हमारे पास सुरक्षा सीमा प्राप्त हो जाएगी लेकिन यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि सुरक्षा सीमा रेशे किसे कहते हैं तो सुरक्षा सीमा रेशा काउंट करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सेल्स का भाग देकर सौ से गुणा कर देते हैं तो पीवी दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज काउंट हो जाती है तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज काउंटिंग करने का आसान तरीका है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इजिकल टू एस सॉरी सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन टोटल सेल्स मल्टीप्लाई वन हंड्रेड तो ये हमारे पास में ब्रेक इवन सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज क्या हो जाती है Thank you.